औज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकात। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जमाल रमज़ान के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान अलामा मोहम्मद काशिफ मदनी। स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमाए, सबसे पहले आपका तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमाए, किसी तारफ़ के आप मोहताज नहीं। इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा व मौलाना अज़ीम मज़हबी स्कॉलर प्रोफेसर अब्दुल हक साहब तशरीफ़ फरमाए, आपको खुश आमदीद कहूँगा। और साथ ही साथ हुज़ूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत नात पढ़ने वाले, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत मदासाई करने वाले इज़्ज़त मआब जनाब मोहम्मद हारिस कादरी साहब तशरीफ़ फरमाए, आपको खुश आमदीद कहूँगा। अल्लाह करीम आप दोनों आबाब का आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, रमदान मुबारक की बरकत, रहमत, अज़मत, शान, मकाम व वक़ार वाली लम्हात अल्लाह ताला ने हमें नसीब किए हैं और यकीनन आप और मैं इनसे फैज़याब हो रहे हैं। कल का जो प्रोग्राम आपने समाप्त किया, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स थे कि इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, हज़रत सय्यदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की इबादात के हवाले से मज़ीद लोगों को आगाह किया जाए। तो मैं क़िबला प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप मज़ीद हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आपकी इबादत के हवाले से नाज़रीन को आगाह फरमाएं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्ले अला या रसूल, सल्ले अला या बतूल। मेरा अपना एक पंजाबी का मिसरा है कि विच समंदर इतर गुलाबा मुँह नू उमरां धोवें, विच समंदर इतर गुलाबा मुँह नू उमरां धोवें, ओदा नाम पुकारन लायक फेर भी तू ना होवें। सैयदा कायनात की इबादत का आपने तस्करा किया, वो जिसकी आमद इन्ना आतैना कल कौसर से है, वो जिसकी तरबियत वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाहयुन यूखा की ज़बाने तर्जमाने हक से है, वो जिसका निकाह आसमानों पे अल्लाह वादाउल्ला शरीक ने खुद किया और रसूल को मुत्तले किया कि अल्लाह के रसूल मैंने आपकी बेटी और अली का निकाह आसमानों पे कर दिया है, ज़मीन की फार्मेलिटी आप पूरी कर दें। वो जिसके विसाल के लिए बकौले रूहुल बयान और फ्यूज़ुर रहमान दो बड़े कुतुब हैं, उनमें उनके मुसन्निफीन फरमाते हैं कि जब इज़राइल रूह कब्ज़ करने के लिए आया तो सैयदा ने उसको अपनी रूह उसके हवाले करने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से उसकी रूह को कब्ज़ किया, जिसके सारे काम ही मुनफरिद हैं, जिसके सारे आमाल मुनफरिद हैं, उसकी इबादत क्या हो गई। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। इसकी अगर कहीं अमली तफसीर देखनी है ना, तो वो सैयदा कायनात की ज़ात देख लें। एक दफ़ा एक शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में हाज़िर हुआ और किसी सवाल के लिए, किसी हाजत के लिए इमाम रो रहे थे। वो काफ़ी देर बैठा रहा, इमाम मुसलसल रोए जा रहे हैं, तो जब ज़रा सी आपकी तबीयत संभली तो वो कहता है इमाम खैर है? तो आप फरमाते हैं मैं आज रो इसलिए रहा था कि काश के अल्लाह ताला मुझे एक पल अपने दादे जैसी इबादत नसीब कर दे। जबकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हस्ती है जिसके बारे में हज़रत मौला हुसैन को चूम कर, सूंघ कर, देख कर रसूल ने फरमाया इसका एक बेटा होगा जिसका लकब ज़ैनुल आबिदीन है और ख़ुदा के अर्श पे लिखा हुआ है। वो ज़ैनुल आबिदीन जनाब अली के बारे में, अपने दादा के बारे में रो रो के ये कह रहा है काश मैंने एक पल अपने दादा जैसी इबादत की होती। और दादा वो है, जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन आमनू माहु, ये माहु का मुफस्सरीन जनाब सिद्दीक़ अकबर को मिसदाक ठहराते हैं।
अशिद्दा वल कुफार जनाब फारूक को कहते हैं, रुखमा बैनहुम जनाब उस्मान को कहते हैं, रुकान सुज्जदैन यब्तगून फदलम मिन अल्लाह व रिदवाना, इसका मस्ताक मौला कायनात को ठहराते हैं। और मौला कायनात बजाते खुद वो हस्ती है कि जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया, अन नज़रो इला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। उस अली से रसूल अल्लाह ने सवाल किया, कब किया आपने? सैयदा कायनात की इबादत पूछी। सैयदा कायनात की जब रुखसती हुई ना, तो तीसरे दिन रसूल अल्लाह अपनी बेटी को लेने गए, जो रस्म व रवाज था उसके मुताबिक। तो अली से आपने इजाज़त तलब की कि मैं अपनी बेटी को ले जाऊं। साथ ही आपने एक सवाल किया, अली तीन दिन से मेरी बेटी तेरे घर है, तुमने इसको कैसा पाया? वो अली जिसका अपना चेहरा अन्नज़रु इला वजह अलीयन इबादतुन, जिसका अपना नाम अज़्ज़िक्रु अला वजह अलीयन इबादतुन, जिसकी ज़ात, जिसका चेहरा, जिसका ज़िक्र ईमान और इन्फाक का फ़र्क बताता है, उस अली ने रसूल अल्लाह को अर्ज़ की, मेरे आका, अब जवाब ये बनता था, आपकी बेटी बहुत फर्मा बरदार है, खाना बहुत टाइम पे देती है, मेरा बहुत ख्याल करती है, मेरी बहुत केयर करती है। नहीं, उसने जवाब क्या दिया कि या रसूल अल्लाह, तीन दिन आपकी बेटी से मैंने इबादत का सलीका सीख लिया, मैंने इबादत का तरीका सीख लिया, खुदा को राज़ी कैसे करना है, शान अब्दियत मैंने आपकी बेटी से सीख ली है। जिस सैयदा कायनात के बारे में ये कहते हैं अली, जनाब अली से किसी ने पूछा कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार कौन है, तो उन्होंने फरमाया, मेरी बीवी फातिमा। और आप फरमाते हैं कि रात को जब खाना खिला के मुझे और बच्चों को ख्वाबगाह में सैयदा भेज देती थी, तो घर में जो बेहतर लिबास होता था उसको आप फिर ज़ेब-ए-तन फरमाती थी। फिर मेरे तकिए के पास खड़े होके ना फरमाती थी, अली अगर आपको मुझसे कोई हाजत ना हो तो मैं अपने रब की बारगाह में चली जाऊँ। तो मौला कायनात फरमाते हैं, मैं कौन होता था जो फातिमा और उसके रब के दरमियान हायल हो जाऊँ? तो सैयदा कायनात जाती थी और एक रकात में, एक क़याम में खड़ी रहती थी हत्ता के फजर की अजान हो जाती थी। फिर जल्दी से आप एक रकात तमाम करती, फिर दूसरी रकात तमाम करके सलाम फेरती, फिर आसमान की तरफ निगाह उठा के कहती, अल्लाह तूने रात कितनी छोटी बनाई है, मेरी तो एक रकात तमाम नहीं हुई, मेरी तो एक रकात तमाम। ये सैयदा बतूल की इबादत थी, इबादत थी। और इबादत में मांगती क्या थी? हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद रावी हैं, आपसे किसी ने पूछा तो आपने फरमाया, मेरी माँ से बढ़कर मैंने किसी को इबादत गुजार नहीं पाया। तो आप फरमाते हैं, अम्मा खड़ी होती थी, एक रात मैं पूरी रात मुलाहजा करता रहा, सारी रात आप क़याम की हालत में खड़ी रहीं और मेरे नाना की उम्मत के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती। तो मैंने अर्ज़ की, इमाम फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की कि अम्मा आपको मैं और अपना आप ही याद नहीं था? तो कहती हैं, बच्चे दूसरों का हक पहले है, अपना बाद में आता है, पड़ोसी पहले हैं, अपना बाद में है, मेरे बाबा की उम्मत पहले है, तू और मैं बाद में है। एक बार हज़रत उस्मान गनी ने ना रसूल अल्लाह की दावत की और अर्ज़ की, या रसूल्ला जब आपके तशरीफ़ लाने का वक्त होगा तो मैं ख़ुद आपको घर से लूँगा। आपने फरमाया, अच्छा ठीक है। जब खाना तैयार हो गया, दावत देने के लिए बुलाने के लिए जनाब उस्मान बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और अर्ज़ करते हैं, या रसूल्ला अब मेरे काशियाने की तरफ आप आगे चलें, मैं पीछे चलूँगा। आपने फरमाया, क्यों? कहते हैं, ये मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। रसूल चल रहे हैं, उस्मान रसूल के कदम गिन रहे हैं,
जब रसूल उस्मान के घर पहुँचे, खाना खा चुके, तो हज़रत उस्मान अर्ज़ करते हैं, या रसूल्ला, इतने कदम आपने मेरे काशियाना अकदस की तरफ उठाए, मैं उस एक एक कदम के बदले ग़ुलाम आज़ाद करता हूँ। जनाब अली भी उस खाने में शरीक थे। अब जनाब अली जब घर आए, थोड़े से मगमूम दिखाई दिए, तो सैयदा कायनात ने अर्ज़ की, मेरे सरताज, खैरियत है? आप तो मेरे बाबा के साथ जनाब उस्मान की दावत पे गए थे, तो मगमूम लगते हैं। कहते हैं कि मेरे वसाइल इतने नहीं हैं, मेरा दिल है कि मैं भी रसूल को दावत दूँ, मैं भी ग़ुलाम आज़ाद करूँ। सैयदा कायनात फरमाती हैं, आप वसाइल को छोड़ें, जाएँ मेरे बाबा को दावत दे के आएँ, जाएँ दे के आएँ। आप फरमाते हैं, इतने लोगों का खाना, आपने फरमाया आप जाएँ। अब अली को भी अपनी ज़ौजा के अल्फाज पे यकीन था, जनाब अली चले गए, रसूलल्लाह को दावत दे दी। रसूलल्लाह अपने ग़ुलामों के साथ आ गए, तशरीफ़ ले आए। आपके आने से पहले सैयदा कायनात मुख्तलिफ बर्तनों को ढक कर चूल्हों पे चढ़ा के सर को सजदे में रखती हैं, अर्ज़ करती हैं, या अल्लाह, उस्मान के पास वसाइल थे, मेरे पास तू है। उसके पास दौलत थी, मेरे पास तू है। उसके पास खाने पीने का सामान वाफर मकदार में था, मेरे पास वल्लाह खैरुर राज़िकीन है। अब आने वाला तेरा महबूब है, उसके साथ आने वाले तेरे गुलाम, महबूब के गुलाम हैं, तेरे महबूब बंदे हैं। अल्लाह, फिर आज मेरे घर से उनका खाना भी मुख्तलिफ हो। अब जब रसूल तशरीफ़ लाया, तरह तरह के बर्तनों में खाने तैयार थे, रसूल अल्लाह को पेश किए गए। जब पेश किए गए, तो सैयदा कायनात वो खाना खा रहे हैं, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सजदे में है, अर्ज़ करती हैं, अल्लाह, उसने तो पैसे थे तो एक एक कदम गिने, ग़ुलाम आज़ाद किए, खाना तो तूने भेज दिया, रसूल के कदमों के बदले तू मुझे देगा क्या? अल्लाहु अकबर, मैं कौन सी कुर्बानी दूँ, मैं क्या दूँ बारगाह रबूबियत में और बारगाह रिसालत में क्या पेश करूँ? सैयदा सजदा रेज हैं। नबी खाना खा के अपने ग़ुलामों को कहते हैं, कभी ऐसा खाना खाया? कहते हैं, कभी नहीं खाया। अब फरमाते हैं, ये खाना जन्नत से आया। सुभानअल्लाह। फिर जिब्रील आ गया। जिब्रील अर्ज करता है, यार, आपने फरमाया, जिब्रील खैर है? मेरी बेटी की दावत पे तू भी आ गया है? अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने एक नवीद दी है, वो सुनाने आया हूँ। आपने फरमाया, सुनाओ। तो जिब्रील अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल, उस्मान ने तेरे कदम गिने, एक एक कदम के बदले एक ग़ुलाम आज़ाद किया, तेरी बेटी सजदे में है, उसका जाके सजदे से सर उठाओ और ये नवीद दो कि तेरी इस मनाजात के बदले में अल्लाह ने मेरे एक एक कदम के बदले में एक एक हज़ार गुनाहगार को बख्श दिया। एक एक गुनाहगार को बख्श दिया, जिसकी वजह से गुनाहगार बख्शे जाते हो, उसकी इबादत क्या होगी, उसकी इबादत क्या होगी? देखे ना, इंसानी फितरत है कि बीवी कभी किसी दूसरी खातून को अपने बराबर नहीं समझती है, बराबर नहीं समझती है, ना किसी को बराबरी का हक देती है। अब सैयदा सदीका की आप औलाद नहीं है, आप सैयदा खदीजा की औलाद है। अब सैयदा सदीका जो रसूल की महबूबा हैं, उनसे सवाल किया गया कि तेरे सरताज को सबसे ज़्यादा महबूब कौन था? फितरत यह है कि बीवी कहे मैं महबूब हूँ, लेकिन सैयदा सदीका थी ना, सदीका सच्ची को कहते हैं, सदीक की बेटी थी, उन्होंने कहा मेरे महबूब को सबसे अजीज़ चेहरा, महबूब चेहरा वह फातिमा का है। फातिमा का है। आप फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह जब किसी सफ़र पे जाते थे,
तो वो आखिरी घर जिससे रसूल रुखसत होते थे वो सैयदा कायनात का होता था। जब रसूल अल्लाह सफ़र से तशरीफ़ लाते थे वो पहला घर जिसमें रसूल एंट्री फरमाते थे, कदम रंजा फरमाते थे, वो भी सैयदा कायनात का होता था। जो अल्लाह के रसूल कुरान मजीद हम जब पढ़ते हैं ना, तो अम्बिया और दूसरे लोगों के लिए एक लफ्ज़ आता है वैया कुल न तुआ, वो खाना खाते थे, वो तो आम खाते थे, मगर रसूल की बेटी के लिए आता है वयुतइमू न तुआम अला हुब्बिही मिस्कीन अम्बा यतीम अम्बा असीरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खाना खाते थे, ये खाना खिलाती थी। और खुदा की मोहब्बत में खिलाती थी। खुदा की मोहब्बत में खिलाती थी। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं इसकी तशरीह करते हुए, वकूआ ये था कि हसनैन करीमैन बीमार हो गए, सैयद ने मन्नत मानी, रमज़ान का महीना है, रोज़ा खुदा की महबूब इबादत है, खुदा की नक्काली है, तो सैयदा कायनात ने बारगाह लम यज़ल में कहा अल्लाह तू खाने से पाक है, मेरे बच्चे ठीक हो गए, मैं भी तेरे लिए कुछ वक़्त खाना छोड़ दूँगी, रोज़ा रख लूँगी। अब बच्चे ठीक हो गए तो सैयदा कायनात ने रोज़ा रखा, इफ्तारी का वक्त आया, यतीमून अत्ताम आला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं पहले दिन मिस्कीन बन के जिब्रील आया, क्या बात है, कहता है भूखा हूँ मुझे खाना दे दो, आपने उठा के उसको दे दिया, रोज़ा रख लिया। अगले दिन यतीम बन के आ गया, आपने फिर उसको खाना दे दिया। अगले दिन कैदी बन के आ गया, फिर उसको खाना दे दिया। फिर खुदा ने कहा यतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। हजूर की बारगाह में ना एक बद्दू आया, मुसलमान हुआ। अब वो दूर से कहीं सफ़र करके आया था तो उसका सर जल रहा था, धूप थी, गर्मी थी अरब की। तो जब वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ, नबुव्वत के हलके में दाखिल हो गया, सहाबियत का ताज उसने पहन लिया, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया यार इसका सर जल रहा है, कोई इसका सर ढांप दो, ढांप दो जी। तो मौला कायनात ने अपना अमामा उतार के उसके सर पे सजा दिया। सुभान अल्लाह। फिर आप फरमाते हैं यार इसका पेट खाली है, कोई इसका पेट भी भर दो। जनाब सलमान फारसी सैयदा कायनात के खादिम थे। सलमान की भी क्या किस्मत थी, कई सौ साल उसने ना रसूल की तलाश में गुजारे, धक्के खाए, यहूदियों के पास रहा, ईसाइयों के पास रहा, कौन कौन सा इम्तिहान उसने नहीं गुजारा, कौन कौन सी मुसीबत उसने नहीं झीली। वो जो एक शहज़ादा था वो ग़ुलाम बन के मदीना मुनवरा आ गया, हजूर की आमद से पहले आ गया। वो उस सलमान की किस्मत भी क्या थी, वो हसनैन को खिलाने वाला बन गया, हसनैन को पिलाने वाला बन गया। रसूल को जब अपने बच्चे याद आते थे, सलमान को कहना सलमान जाओ मेरी बेटी के घर से हसनैन को उठा लाओ, वो अपने कंधों पे उठा के ले आता था। तो आपने ना जब कहा तो सलमान उठ के दौड़ पड़े, तो वो दौड़ के ना सैयदा कायनात के जाके दरवाज़ा बजाते हैं, कहते हैं अल्लाह के महबूब की बेटी एक नया मुस्लिम आया है, तेरे बाबा जानी का चेहरा देख के सहाबी तो वो बन गया, उसका सर गर्म था, धूप में वो आया था, सर तेरे सरताज ने ढांप दिया है, उसका पेट खाली है, रसूल ने कहा कोई पेट भर दे, मैं तेरे पास आया हूँ, सर उसने ढांप दिया है, पेट तू ढांप दे। तो आप फरमाती हैं सलमान घर में खाने को दो दिन से कोई चीज़ नहीं, लेकिन ठहरो, आपके सर पे एक यमनी चादर थी, एक ही अच्छी चादर थी, आपने कोई पुरानी वो सीधा चादर निकाली, निकाल के उसको ना सर पे सजाया और वो चादर तय करके सलमान को दी कि जल्दी से जाओ, शमून यहूदी कपड़े का ताजर है, वो इस चादर की कीमत जानता है, तुम उसको बेच के खाने का सामान ले आओ ताकि मेरे महबूब के ग़ुलाम का खाना बनाया जाए। वो गया, शमून को जब चादर दी तो शमून ने कहा
कि सलमान ये यमनी चादर है और औरतों की चादर है, तुम किसकी लाए हो। सलमान ने वाकया सुना दिया। शमून ने चादर पकड़ी, रख दी, कहा सलमान ये पैसे हैं, जल्दी से सौदा लेके चले जाओ। सलमान सौदा लेके आया। सैयदा कायनात ने खाना तैयार किया, खाना तैयार करके भेज दिया। अब जो बद्दू था वो खाना खाने लग गया। शमून उठा, चादर तय की, सैयदा कायनात का दरवाज़ा बजाया। आप दरवाज़े पे पहुंची, पूछे कौन है, अर्ज़ करता है अल्लाह के महबूब की बेटी, मैं शमून हूँ, क्यों आए हो। मैं वो चादर वापस करने आया हूँ। आपने फरमाया हम जिसे कुछ दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते। शमून ये चादर तुम्हें बहुत काम आएगी। वो रोए जा रहा है, चीखे जा रहा है, कहता है सैयदा, उसके जुमले देखें, वो ये नहीं कहता है मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूँ, वो ये नहीं कहता है मैं रब पे ईमान लाता हूँ। वो यहूदी था, उसने ये भी नहीं कहा मैं मूसा के रब पे ईमान लाता हूँ। उसने कहा सैयदा मैं तेरे रब पे ईमान लाता हूँ, मैं तेरे रब का कलमा पढ़ता हूँ, मैं तेरे बाबा का कलमा पढ़ता हूँ। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। फिर कहता है चादर ले लें। आपने फरमाया ये ले लो, महशर के दिन भी काम आए। वो सैयदा जिसके पर्दे के लिए बरोज़े हशर आपके पर्दा का आलम ये था, उसकी इबादत क्या होगी जिसको खुदा देख रहा था। आप झाड़ू दे रही थी घर में और खुदा की याद में महव थी। आपके सर से दुपट्टा सिर गया, चंद बाल नंगे हो गए, आसमान की रोशनी चली गई, अंधेरा छा गया, सियाबा ने घर छोड़ दिए, बारगाह रिसाल मस्जिद नबी की तरफ दौड़ पड़े, शायद क़यामत आ गई है। जब दौड़े या रसूल अल्लाह, सूरज ने किरणें समेट ली है, अंधेरा छा गया है, दिन का वक़्त है, ये उजालों का टाइम है, क्या हुआ है, क़यामत आ गई है, सूरज को ग्रहण लग गया है। आप मुस्कराते हुए फरमाते हैं थोड़ी देर ठहरो मैं आता हूँ। आप गए, बेटी खुदा की याद में गर्क है, गुम है, उन्हें पता ही नहीं है, झाड़ू चल रहा है। तो आप जाके ना सैयदा कायनात का दुपट्टा ठीक कर दें। तो आप पता चला के थोड़ी देर क्या हुआ। आप फरमाती हैं बाबा मैं तो तेरे रब की याद में गुम थी, मुझे क्या पता। आपने फरमाया तेरे बाल नंगे हो गए थे, खुदा ने सूरज को कहा किरणें समेट लो, तुम अपनी रोशनी बंद कर दो ताकि हवाएं भी मेरे महबूब की बेटी के बाल न देखें, हवाई मखलूक भी मेरे महबूब की बेटी के बाल न देखें। ये पर्दा था सैयदा कायनात का। मुअर्रिखीन जब लिखते हैं ना आयत मुबाहला का, कि जब रसूल अल्लाह आयत मुबाहला, कोई 30-40 मुसन्निफीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जब मुबाहला का वक्त आया तो सिर्फ 4 लोग रसूल अल्लाह के साथ थे। जब आपने उन ईसाइयों के पड़ाव की तरफ रुख किया, आपकी दाएं हाथ की उंगली जनाब हसन ने पकड़ी हुई, आपने बाएं हाथ की उंगली जनाब हुसैन ने पकड़ी हुई, जहाँ आप कदम रखती हैं उन कदमों के निशानों पे सैयदा कायनात पांव रखते हैं, फिर उन्हीं निशानों पे पीछे चलने वाला अली निशान कदम रखता है। तो बहुत बड़े लोगों ने से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल को और सैयदा के सरताज को इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि रेत के जर्रात पे सैयदा के कदमों के निशान कोई देख ले, कोई निशानात देख ले, इसलिए आपके कदमों पे कदम सैयदा कायनात रखती थी, उन पे मौला अली रखते थे। तो जब ये काफिला सामने हुआ ना, तो यहूद का जो सबसे बड़ा ईसाइयत का वो आलिम था ना, उसने देखा, कहता है वो जालमो 5,000 के करीब ईसाई इकट्ठे थे, कहता है इस बड़े ने कोई लफ्ज़ मुंह से निकाला, ये दो छोटे और दो जो पीछे वाले हैं इन्होंने आमीन कह दिया, तो तुम गर्क हो जाओगे, तबाह व बर्बाद हो जाओगे, 80%
ने हसन और हुसैन और जहरा के कदमैन रेत पे पड़ते देखकर कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। उसकी इबादत क्या होगी? वो जो 30 पारे एक रकात में पढ़ देती थी, उसकी इबादत क्या होगी? क्या बात। सबसे पहले जो सबसे बड़ा ओहदा होता है ना, सबसे बड़ा फ़कर का जो ओहदा होता है वो सुल्तानुल फ़कर होता है। उम्मत मुहम्मदिया में 6 बाज कहते हैं, 7 सुल्तानुल फ़कर हैं। उम्मत मुहम्मदिया के सबसे पहली सुल्तानुल फ़कर सैयदा कायनात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सूफिया जब ओहदों की तकसीम का तज़किरा करते हैं तो वो कहते हैं कुछ ओहदे अमूमी होते हैं, कुछ ओहदे खसूसी होते हैं, अखस्सुल खवास होते हैं। जैसे आप अपने ओहदे देखते हैं ना, हमारा DGISI है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इस तरह के जो ओहदे होते हैं ना, इन पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद उनको नामजद करता है। बेशक छोटे ओहदे पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी लोग उनको इम्तिहान लेके अफसर बनाते हैं, मगर इन अहम पोस्टों पे फाइज सिर्फ जो पूरा चीफ एग्जेक्टिव होता है वो करता है। तो सूफिया कहते हैं इश्क की आखिरी हदूद को जो शख्स छू ले ना, जिसको अशद्दो हुब्बन लिल्लाह की चादर जिस पे तन जाए, वाह वाह सुभान अल्लाह, उसे सैयदा कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि रसूल की ज़ाते मुकद्दसा की तालीम, तरबियत, इलम, तज़किया, उसकी दो ब्रांचें हैं, एक फ़कर है, एक इश्क है। आपके फ़कर के वारिस जनाब हसन है, आपके इश्क के वारिस जनाब हुसैन है। वो शख्स जिसकी फ़कर की इंतहा दर्जे की तरबियत हो जाती है, उसे मौला हसन की बारगाह में पेश किया जाता है। मौला हसन फिर उसे अपनी अम्मा के दरवाजे पे खड़ा करके अंदर जाते हैं कि बाहर एक शख्स आया है, अगर आप चाहें तो इसे फ़कर के आखिरी मनसब पे फायज कर दें। इसी तरह वो जो आशिक यजदां बनता है, उसे जनाब हुसैन लेके बारगाह जहरा पे खड़ा करते हैं, दरे जहरा पे अंदर जाके कहते हैं अम्मा जानी, तेरे बाबा ने, तेरे सरताज ने एक शख्स की तरबियत करके इश्क के आखिरी मकाम पे पहुंचा दिया है, अब मनसब देना तेरा काम है, अगर आप पसंद कर लें तो फिर वो इश्क के आखिरी मनसब पे फायज हो जाता है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं ये दोनों आखिरी जितने मनसब हैं, इन फायज करने के लिए शख्स को बारगाह जहरा में खड़ा किया जाता है, दरे जहरा पे खड़ा किया जाता है, फिर आप ऐलान फरमाती हैं मैं तुम्हें अपनी फर्जंदी में लेती हूँ। पहले सुल्तानुल फ़क्र सैयदा कायनात खुद हैं, दूसरे सुल्तानुल फ़क्र सुल्तान हसन बसरी हैं, तीसरे सुल्तानुल फ़क्र सुल्तान बायजीद बुस्तामी हैं, चौथे सुल्तानुल फ़क्र हजूर सैयदना गौसे पाक हैं, पाँचवें सुल्तानुल फ़क्र हजूर सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक हैं, छठे सुल्तानुल फ़क्र हजरत सुल्तान बाहू हैं, और सातवां सुल्तानुल फ़क्र हजरत सैयद गुलाम मोहियुद्दीन बाबू जी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बाबू जी हैं, बाबू जी का जहाँ तक सुल्तानुल फ़क्र बनने का ताल्लुक है, वो मैंने इसको कहाँ से अख़ज़ किया कि जब बाबूजी पैदा हुए ना, तसव्वुफ़ में सूफ़ी का सबसे आखिरी मर्तबा मकाम रूह है। पहला मकाम ज़बान का होता है, दूसरा कल्ब का होता है, तीसरा जिस्म का होता है, आखिरी मंजिल रूह की होती है। जब वो रूह के मकाम पे फायज़ होता है ना, तो ये जो फरिश्ते बैठे हुए इन्हें नहीं पता होता कि ये क्या कर रहा है। ये बारगाह इलम यजल में जाते हैं तो कहते हैं अल्लाह इसकी कोई बात हमें समझ नहीं आ रही, तो अल्लाह कहता है अब ये मेरा वो जाकिर हो गया है, या ये जाकिर जानता है या मैं मजकूर जानता हूँ। बेशक। और बाबूजी जब पैदा हुए तो घर वालों ने ना एक खादमा को भेजा कि जाओ आपको ना मुबारक दे के आओ कि आपके घर बेटा पैदा हुआ। तो जब हजूर सैयदना पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास खादमा पहुंची ना, उसने नवीद सुनाई तो आपने एक जुमला फरमाया,
माँ पुत्र आने की खुशी नहीं है, मेरे घर अल्लाह अल्लाह करने वाली रूह आ गई। ये बात मुझे अपील की कि वो रोज़े पैदाइश जो रूह के मकाम पे फायज था वो यकीनन सुल्तानुल फकर था। तो सुल्तानुल फकर पहली आप हैं, फिर जिसको भी सुल्तानुल फकर जो भी बना है उसे सैयदा कायनात ने अपनी फर्जंदी में लिया है। कुतुब मदार पूरी ज़मीन का चीफ एग्जेक्टिव होता है, पूरी ज़मीन का, तसव्वुफ में सूफियों में कुतुब मदार पूरी ज़मीन का चीफ एग्जेक्टिव होता है, पूरी ज़मीन का जो निज़ाम होता है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कुतुब मदार का दायां कान रसूल के मुंह के करीब होता है। रसूल अल्लाह उसको उसके कान में अपनी ज़बान से हुक्म देते हैं कि ये हुक्म कायनात में राज किया जाए, उस कुतुब मदार को भी सैयदा कायनात कुतुब मदार बनाती हैं, वो कुतुब मदार बनाती हैं। इसलिए उसकी जो है वो क्या शान मैं आपको बयान करूं। कुरान अगर सूरह कौसर देखें तो वो आपकी शान में है, सूरह दहर में आपकी शान है, सूरह नूर में आपकी शान है, आयत मुबाहला आपकी शान है, आयत तत्हीर आपकी शान है। वो बड़े बदबخت लोग हैं जिन्हें बतूल समझ नहीं आई, जिन्हें रसूल की बेटी समझ नहीं आई। कोई ऐसा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका, हम तो सारी रवायतें घर से लेते हैं ना, हम घर से पूछते हैं, हमें हमने अली पूछना है तो आपसे किसी ने पूछा ना कि औरतों में सबसे ज़्यादा महबूब रसूल को कौन थी, तो आप फरमाती हैं फातिमा। तो फिर हालांकि आपका बाप था, वो रसूल को बहुत अजीज़ था, रसूल का सुसर भी था, यारे गार भी था, यारे मिजार भी है, लेकिन उसकी बेटी सैयदा सदीका सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं। फिर आपसे दूसरा सवाल पूछा गया मर्दों में से कौन अजीज़ था, तो आप फरमाती हैं अली अजीज़ था। यानी अपने बाबा का फिर भी नाम नहीं लिया ना। मतलब आप देखें कि जैसे मैंने पहले कहा कि औरत की फितरी कमज़ोरी है कि वो अपने शौहर को अपनी मोहब्बत के अलावा किसी में शरीक नहीं करती है, मगर आपका लकब सदीका है, आपका बाप सिद्दीक है जिसने अबू जहल की गवाही पे मेराज की तस्दीक कर दी। हजूर को आपको पता है सिद्दीक का लकब जनाब सिद्दीक को मेराज की गवाही से मिला था कि जिस सुबह रात मेराज हुई ना तो सुबह रसूल अल्लाह मक्के में ना तशरीफ़ ला कर बैतुल्ला में वकूए बता रहे हैं, तो अबू जहल ठट्ठे मार, हज़रत सिद्दीक नहीं थे तो ठट्ठे मारता वो हंसता हंसता ना चला गया जनाब सिद्दीक के घर, जाके कहता है ओए वो मोहम्मद ने ये कहा है। तो आप फरमाते हैं अबू जहल तुमने ये बातें किससे सुनी है। अल्लाहू अकबर। तो अबू जहल कहता है मैंने तो खुद मोहम्मद के मुंह से सुनी है अबू बकर। तो जनाब सिद्दीक कहते हैं अगर मेरे महबूब ने कहा है तो फिर सच कहो। इससे आपको लकब सिद्दीक का मिला। एक जो बारीक लतीफ नुक्ता है ना, मकाम रिसालत की बात कोई काफिर भी करे ना तो सिद्दीक ने तस्दीक कर दी। हमारे यहाँ तो मोमिनों की रवायतों पे एतराज़ है, मोमिनों को पे एतराज़ है। इस उम्मत पे इतने एहसान है, एक एहसान जो सैयदा बतूल का है। हजूर के सारे बच्चे जो थे ना उनको दाइयों ने दूध पिलाया है जो अरब का रवाज था, मगर सैयदा कायनात ने किसी दाई का दूध नहीं पिया है, आपने सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पिया है, अपनी माँ का ही दूध पिया। और आपके जो बच्चे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि इमाम रसूल अल्लाह के विसाल के बाद जनाब इमाम हुसैन खेल रहे थे, यानी जिसकी रसूल तरबियत कर, सैयदा जिसकी तरबियत करती है जिस बच्चे की, जिस बच्चे का ये मकाम है वो माँ क्या होगी। 9 साल हुसैन से ना किसी ने पूछा, एक परिंदा चहचहा रहा था, तो सहाबी कहता है शहजादे ये क्या कह रहा है। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं ये खुदा की तस्बीह कर रहा है। सुभानअल्लाह। उसने कहा आपको पता है ये रवायत मौजूद है कि जनाबे हुसैन ने 9 साल हुसैन ने
52 जानवरों और परिंदों के नाम बताए और उनकी तस्बीह के अल्फाज भी बताए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका बेटा ये है वो माँ क्या माँ क्या होगी, क्या बात है, वो माँ क्या होगी, उस माँ की क्या शान होगी। सुभान अल्लाह। जिसकी गवाही उसका शौर दे, वो शौर जो खुद जिसके चेहरा इबादत है, जिसका चेहरा खुद इबादत। लोग तो तस्करे करते हैं ना कि सैयदा कायनात गई थी अपना हक लेने। कारी साहब, एक शख्स जिसके पास खरबों दौलत हो, उसके बारे में कोई बंदा ये कह दे कि वो फलां बंदे से 10 रुपए मांग रहा था, आप मानेंगे? कभी भी नहीं। वो जिसे रसूल ने ज़मीन से हज़ारों गुना बड़ी जन्नत का मालिक बना दिया है, जिसके 2 बच्चों को जन्नत का मालिक बना दिया है, वो चंद मरलों 13 पौधों का बाग मांगने जाएगी? पता नहीं ये कहानी कैसे गढ़ लेते हैं। और फिर इस पर इतराज, फिर नहीं इतराज़। तो मैंने पिछले प्रोग्राम आपके में कहा था कि हम अगर गौर करें ना आलम अलस्त की कहानी, वहाँ 2 काम हुए थे। एक पहला काम रबूबियत का इकरार था, दूसरा काम तकसीम उम्मत था और तीसरा काम तकसीम नस्बत था। पहला काम अल्लाह ने खुद किया, तकसीम उम्मत, मुझे आपको इन सब को हम सारों को चुन चुन के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में इबादिल्लज़ी नस्तफा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये जो मेरे बंदे जिन्हें चुना गया है, ये चुना तब गया था जब ये चुनाव हो रहा था, तो जनाब इब्राहिम की ये ख्वाहिश थी काश अल्लाह मुझ पे भी हाथ डाले तो इसकी गुलामी में दे दे। आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया और 312 या 15 या 19 रसूलों का तस्करा है। उन सारों की ये ख्वाहिश थी कि मुझे पकड़ के महबूब की गुलामी में दे दिया जाए। मगर इबादिल्लज़ी नस्तफा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये हमारे नसीब में था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर तकसीम नस्बत है, मुझे और आपको पकड़ के रसूल ने अपने बच्चों की नस्बत में दिया। किसी को दाता अली जवेरी की नस्बत में दिया, किसी को बाऊ सुल्तान की नस्बत में दिया, किसी को हजरत सुल्तान हिंद की नस्बत में दिया, किसी को बख्तार काकी और बाबा फरीद की नस्बत में दिया। ये सारे काम रसूल अल्लाह ने खुद किए। हमने क्या दिया रसूल को, हमने रसूल के साथ क्या किया? अगर हम गौर करें तो रसूल की कौन सी चीज़ पे हमने एतराज़ नहीं किया? खुदा ने कहा अलम यजिद का यतीम अनफा, महबूब तू यतीम था, मैंने तुम्हें ठिकाना दिया, इस ठिकाने को जितने मर्जी है किताबों से पढ़ लें, जितनी मर्जी है लुगत पढ़ लें, शेवा ये फावा का ठिकाना अबू तालिब का घर है। हम तो उस ठिकाने पे भी एतराज़ कर रहे हैं। पता नहीं हमें हैरानगी की बात यह है कि अल्लाह के किस किस फेल पे हमें एतराज़ नहीं है। हमें सैयदा कायदात की मकाम पे एतराज़ है। हम उनका नाम लेते हुए पता नहीं हमारे मुल्लाओं ने क्या क्या लफ्ज़ कह दिए। ये वो हस्ती है कि जब मैदान माशर सैयदा कायनात जन्नत को सुधारेंगी, अपनी जागीर में जाएंगी, तो खुदा मुनादी करेगा, अंबिया को कहेगा, रसूल को कहेगा, सारी इंसानियत को कहेगा, अपने सर झुका लो और आंखें बंद कर लो। सर झुका लो और आंखें बंद कर लो, मेरे महबूब की बेटी जा रही है। सूफिया कहते हैं कि फना फिर रसूल जो है ना, इसका इतलाक सबसे पहले वो हस्ती जो रसूल पे फना हुई है उसे सैयदा कायनात कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि सैयदा सदीका खुद फरमाती हैं कोई शख्स सर से पांव तक रसूल की मुशाबियत रखता था
तो वह सैयद है कायनात। इमाम हसन के बारे में फरमाते हैं उनका ऊपर वाला धड़ रसूल की मुशाबत रखता था, हुसैन का नीचे वाला, मगर सैयदा पूरी रसूल की मुशाबत, उसमें पूरा रसूल समाया हुआ था। उसकी आँख रसूल की आँख थी, उसका चेहरा रसूल का चेहरा था। सैयदा सदीका फरमाती हैं मैंने रसूल को सरताज को भी चलते देखा आते देखा, मैंने सैयदा कायनात को भी चलते और आते देखा, इन दोनों की चाल में कोई फ़र्क नहीं। अल्लज़ीना यमशूना अल-अर्ध खौना, जिनकी चाल की अल्लाह ने तारीफ़ की है ये चाल सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा की है, उसके बाद ये चाल सैयदा जहरा की है, फिर जिसने इस चाल की नकल की उसे खुदा ने कह दिया अल्लज़ीना यमशूना अल-अर्ध खौना। वो ये शान थी सैयदा कायनात की, तकवा देखें, आपकी इबादत देखें, आपकी सखावत देखें। फिर जब हम ये, मैं लफ्ज़ बड़े दुख से कह रहा हूँ, रसूल अल्लाह के विसाल के बाद 6 माह जमहूर जो रवायतें हैं, सैयदा सदीका ये भी इसकी भी मरवी सैयदा सदीका हैं कि रसूल के विसाल के बाद मैंने सैयदा जहरा को कभी मुस्कराते नहीं देखा। फना फिर रसूल की निशानी ये होती है, जो रसूल में फना हो जाता है उसे रसूल के बगैर जीना मुश्किल हो जाता है, रसूल के देखे बगैर ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाती है। आप 6 माह सिर्फ ज़ाहिरी हयात में ज़िंदा रहीं, उन 6 माह के नतीजे के लिए एक लफ्ज़ आपने कहे विसाल से कबल, हम उम्मत के लिए लम्हा फिक्रिया है। आपने फरमाया मेरे बाबा जानी के विसाल के बाद मुझ पर जो गमों के पहाड़ टूटे वो दिनों पे नाजल होते, दिन रातों में बदल जाते। ये गम भी तो हमने दिए। उसके 6 माह के अली असगर को भी हमने ज़बह किया, उसके 17 साल अली अकबर को भी हमने ज़बह किया, उसके औन और मोहम्मद को भी हमने ज़बह किया। तेज़ दार आला नहीं मिला जब मौला हुसैन की गर्दन तन से जुदा की गई, तो इब्ने ज़ियाद को जब सरे हुसैन पेश किया गया तो गोश्त के लोथड़े लटक रहे थे, उसने डांट कर कहा कि तुम्हें कोई तेज़ दार आला नहीं मिला सरे हुसैन काटने के लिए, ये काम हमने किए। और इमाम हसन फरमाते हैं मेरी माँ सारी सारी रात उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करती थी, अल्लाह मेरे ना अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। वो अगर बाबा और उसके ग़ुलामों को खाने खिलाती है तो बाबा के कदमों को नाप कर उसकी तादाद गिनकर 1,000 बंदे को दोजख से जन्नत में फेंकवाती है। ये सैयदा जहरा बतूल थी, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और अहसन अंदाज में क़िबला हज़रत साहब अपना तरबियत फरमा रहे थे। अल्लाह करीम आपको उम्र खिज़री भी अता फरमाए और आपके इल्म अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं अपने मेहमान की जानब बढ़ूँगा, मोहम्मद हारिस कादरी साहब की जानब बढ़ूँगा, आप हज़रत सईदा पाक की बारगाह में हदीये अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। दुख्तरे खत में रसूल जाने पयंबर फातिमा, दुख्तरे खत में रसूल जाने पयंबर फातिमा, ऐ वकारे बूतुराबी शान हैदर फातिमा, ऐ वकारे बूतुराबी शान हैदर फातिमा। और रूह की तिशना लबी को आप को सर फातिमा,
रूह की तिशना लबी को आपको सर फातिमा सजदा गाहे अहले ईमान आपका दर फातिमा सजदा गाहे अहले ईमान आपका दर फातिमा लुट रहा था करबला में आपका घर फातिमा लुट रहा था करबला में आपका घर फातिमा आपने देखा है मैशर कबल मैशर फातिमा आपने देखा है मैशर कबल मैशर फातिमा आपकी निस्बत हुई हमको मुयसर फातिमा आपकी निस्बत हुई हमको मुयसर फातिमा आपकी मिदहत हुई अपना मुकद्दर फातिमा आपकी मिदहत हुई अपना मुकद्दर फातिमा दुख्तरे खत में रसूल जाने पयंबर फातिमा और जब्त के खूगर अली थे सब्र के खूगर हुसैन जब्त के खूगर अली थे सब्र के खूगर हुसैन आपकी हस्ती में है दोनों ही जो हर फातिमा आपकी हस्ती में है दोनों ही जोहर फातिमा दुख्तरे खत में रसूल जाने पयंबर फातिमा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और अहसन अंदाज में आप सईदा पाक की मनकबत से हमारे सुनने वालों को महसूस कर रहे थे। अल्लाह करीम आपकी आवाज़ और अंदाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ। मैं स्टूडियो में अपने मेहमानों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अपनी गुनागुम सरफियात से हमारे लिए वक्त निकाला। अल्लाह करीम आपको दारिन की सादत नसीब फरमाए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत पर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।